असलम डियर लर्नर्स एंड ऑन्टरपन्योर्स बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं बिकॉज़ टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन चूजिंग द राइट कस्टमर राइट मार्केट टू सर्व अच्छा सेगमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज सेगमेंटेशन क्या होता है कि हम मार्केट को जिसमें जा के अपनी चीज़ बेचना चाहते हैं प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसको डिवाइड करते हैं मुख्तु हिस्सों में मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशन फिलिप क्वार्टर अपनी किताब में देते हैं डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स विथ डिस्टिंक्ट नीड्स करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर दैट माइट रिक्वायर्ड सेपरेट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और मिक्सिस यानी यहाँ से आप अंदाजा लगाइए कि जब आप प्रोडक्ट या अपनी सर्विस या अपना एक्सपीरियंस या इंफॉर्मेशन जो भी बेचना चाह रहे हैं ऑब्वियसली आप सभी कस्टमर्स को नहीं बेच सकते कस्टमर्स की अपनी नीड्स हैं कस्टमर्स की अपनी डिमांड्स है, हैं कस्टमर्स के अपने बिहेवियर्स हैं कस्टमर्स के अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं सो so, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये एक प्रोडक्ट अगर मैं मार्केट में जाऊँ तो मैं सभी कस्टमर्स को बेच सकूँ इस एक प्रोडक्ट की एक सर्टन मार्केट होगी इस एक प्रोडक्ट को खरीदने वाले सर्टन कस्टमर्स होंगे और उन कस्टमर्स की कॉमन नीड्स होंगे तो हम यूं कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स के कस्टमर्स की कॉमन करेक्टरिस्टिक्स कॉमन नीड्स उनकी कॉमन बिहेवियर्स उनको एक जगह पर रख के हम देखते हैं कि मार्केट को हम कितने मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि एट ऑफ द डे फिर हमने उसमें से कोई एक सेगमेंट चूज करना होता है जिसको जाके हम अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं मार्केट की सेगमेंटेशन मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है फिलिप कॉटलर अपनी किताब में इसकी जो सेगमेंटेशन है वो बताते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड बिहेवॉरियल सेगमेंटेशन इसको वन बाई वन देख लेते हैं देखिए जब आपने मार्किट को डिवाइड करना है तो आप मार्किट को जोग्राफी के हिसाब से भी डिफाइड उसको डिवाइड कर सकते हैं ख़ास तौर पर अगर आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में जाना चाहते हैं आप ये ज़रूर देखेंगे कि आप किस मार्किट में जा रहे हों और वह मार्किट किस रीजन में है ये जो लार्ज फर्म्स हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना बिजनेस करती हैं इन्होंने भी सेगमेंटेशन ज्योग्राफिक के मुताबिक की होती है ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन क्या है डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिफरेंट जोग्राफिकल यूनिट सच एज नेशन स्टेट रीजन कंट्रीज सिटीज और इवन नेबरुड और ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर तो आप लोकल मार्केट में जाके कोई चीज बेच रहे हैं तो लोकल मार्केट में भी ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन हो सकती है क्या आप किसी एक प्रोविंस में जाके ये चीज़ बेचेंगे क्या आप उस प्रोवेंस की किसी लोकल मार्केट में जाके ये चीज़ बेचेंगे क्या आपकी जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है वो किसी एक ख़ास रीजन में ही बिक सकती है कि वो ऑल ओवर पाकिस्तान बिक सकती है सो so ये बहुत डिपेंड करता है कि आप और अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बाज ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ है और आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन एक सर्टन रीजन ने आपके मुल्क पाकिस्तान के ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगाई हों या एक सर्टन रीजन ने आपको कोई स्पेशल ट्रेड ऑफर्स की हों या रिबेट्स ऑफर की हों तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप मार्केट सेगमेंट को क्या जोग्राफिकल सेगमेंटेशन uh, उसकी कर सकते हैं फिर आ जाते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन आप अपनी मार्केट को डेमोग्राफिक्स की बेसिस के ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं बाई डेफिनेशन क्या है डिवाइडिंग द मार्केट इन टू सेगमेंट बेस्ड ऑन वेरिएबल्स सच एज एज जेंडर फैमिली साइज फैमिली लाइफ साइकिल इनकम ऑक्यूपेशन एजुकेशन रिलीजन रेस जेनरेशन नेशनैलिटी जितने भी आपको डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स मिलते हैं उनकी बेसिस के ऊपर आप चीज़ बेच सकते हैं मिसाल के तौर पर रमज़ान में ऑब्बसली अगर आप कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो आपकी को आप उसके अंदर रमज़ान का टच ज़रूर ऐड करेंगे कोई डिस्काउंट ज़रूर ऐड करेंगे ये रिलीजियस जिसे कहते हैं ना हमारा एक एस्पेक्ट आ जाता है लाइक वाइज अगर आप जीन्स बेच रहे हैं तो जीन्स एक सर्टन ग्रुप आपसे ख़रीदेगा आप, आप कोई वेस्टर्न ड्रेस बेच रहे हैं तो वेस्टर्न ड्रेस आपसे एक सर्टन क्लास जो है वो आपसे बाई करेगी आप कोई बहुत हेल्दी फूड या ऑर्गेनिक फूड बेच रहे हैं तो वो एक सर्टेन इनकम ग्रुप है जो उसको अफोर्ड कर सकता है सिर्फ वही आपसे बाय करेगा अदरवाइज आप हर मार्केट हर कस्टमर के पीछे नहीं भाग सकते सो मेक इट श्योर आपकी प्रोडक्ट किस एज के लोग इस्तेमाल करेंगे या किस इनकम ग्रुप के लोग इस्तेमाल करेंगे या जो आपकी आ, आपने देखा होगा बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी मार्केटिंग ही इस तरह से की जा रही होती है कि ये एक बिग फैमिली साइज है जिनका उनके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन की जाती है आपने गाड़ियों में ये देखा होगा कि अक्सर गाड़ियों में दिखाया जाता है कि बहुत स्पेशियस है बिकॉज वो एक बड़ी फैमिली की नीड को सेटिस्फाई करती है सो यू नीड टू मेक इट श्योर आप कोई भी कमर्शियल एड देखेंगे आप उस कमर्शियल एड से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस कमर्शियल एड में किस एक सेगमेंट को टारगेट किया जा रहा है एज वाइज या फैमिली साइज़ वाइज या इनकम वाइज या फिर नेशनैलिटी वाइज अब आ जाते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में ये थोड़ी क्रिटिकल सेगमेंटेशन होती है बिकॉज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन जो होती है उसमें सेगमेंटेशन यानी आप मार्केट को डिवाइड कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशल क्लास लाइफ स्टाइल पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स मिसाल के तौर पर वो तमाम लोग जो इस वक्त पाकिस्तान में एडवेंचर uh, uh, की तरफ लेके जा रहे हैं यानी एडवेंचर्स ऑफर कर रहे हैं आपको ट्रिप्स ऑफर कर रहे हैं आपको दूर दराज पार रिचिंग एरियाज़ में लेके जा रहे हैं वो आपको कहते हैं कि वो आपको टू बेस कैम्प तक लेके चले जाएंगे सो so अगेन ये साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है एक ख़ास पर्सनैलिटी है जो एडवेंचर पसंद करती है एक ख़ास लाइफ है जो लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है ये जितनी भी इस वक्त सर्विसज आई हैं जिम की ये सारी जिम सर्विसेज बेसिकली साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है बिकॉज हर एक ने अपने लाइफ के अंदर जिम या योगा को ऐड नहीं किया होता सो so, एक ख़ास क्लास है उस खास क्लास के अंदर भी एक ख़ास ग्रुप है जो इस लाइफ को लेके चलता है आपने उनको प्रोडक्ट ऑफर करनी है सो so, आपकी प्राइस आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन आपकी स्पेसिफिकेशन आपकी मार्केट रीच की तमाम चीज़ें उसके मुताबिक होंगी जब भी आप कोई अपना बिजनेस आइडिया भी प्लान कर रहे होंगे तो आपसे सबसे पहला सवाल यही होगा आप किस किस बेचेंगे सबसे पहला सवाल यही होता है किसको बेचेंगे ये आपकी प्रोडक्ट कौन सा इनकम ग्रुप लेगा क्या ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है क्या ये हाई इनकम या लो इनकम दोनों के लिए है क्या आप प्राइस कॉन्शियस होंगे क्या आप आ, की जो प्रोडक्ट है किस तरह के लोग इसको पसंद करेंगे सो so, साइकोग्राफिक में ये बड़ा मैटर करता है कि अगर आपने साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन करनी है आपकी प्रोडक्ट आपका एक्सपीरियंस जो आप बेच रहे हैं वो है ही इस तरह का तो फिर आपका सेगमेंट भी उसके हिसाब से होगा बिहेवियरल सेगमेंटेशन क्या है मार्केट आप डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज एटीट्यूड के यूज आपके रिस्पॉन्स आपके एक्सपीरियंसिस जो लोगों को होते हैं बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी हैं बहुत सी एप्लिकेशन ऐसी हैं जो कहते हैं कि हम आपकी अंग्रेज़ी को बहुत बेहतर कर देंगे आप कोई एक सर्टन टेस्ट देना चाहते हैं बाहर स्कॉलरशिप के लिए उसकी हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे दिस इज़ बिहेवियरल सेगमेंटेशन आपके पास नॉलेज है आप खुद अपनी एप्लीकेशन जो है उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं आप सेल्फ मोटिवेटेड भी हैं सो इसलिए आपको ये एक ऐप जो मैंने बनाई है ये आप इस्तेमाल करेंगे और इसको खरीद भी सकते हैं सो so अगेन बहुत क्रिटिकल है कि आप मार्केट को किस तरह से डिवाइड करते हैं वंस ही नो कि आपने जोग्राफिकल सेगमेंटेशन करनी है या आपने डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन करनी है या साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन करनी है या बिहेवियरल सेगमेंटेशन करनी है उसके बाद मरहला आता है टारगेटिंग का सेगमेंटेशन हो गई आपने देख लिया कौन से कस्टमर किस तरह का है अब आते हैं कि आप किस कस्टमर को टारगेट करेंगे जिसको हम मार्केट टारगेटिंग कहते हैं मार्केट टारगेटिंग फिलिप क्वार्टर किस तरह से डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ एवेलुएटिंग ईच

और प्लस चूँकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हैं और प्लस इनकी एजुकेशन भी है इन्होंने ट्रैवल भी करना है इन्होंने वो बहुत वेस्टर्नाइज ड्रेसेस का आजकल बहुत रुझान है और क्योंकि ये ग्लोबल सिटीज़न बन चुके हैं सो so इनकी नीड्स बहुत सी कॉमन है सो अगेन चूंकि इसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं इसीलिए ये वाला एक सेगमेंट बहुत अट्रैक्टिव है इसलिए अब आप इस सेगमेंट में जाएंगे और इस सेगमेंट में जाके अपनी चीज़ को बेचेंगे दैट इज़ कॉल्ड मार्केट टारगेटिंग आपकी प्रोडक्ट अगर हाईली स्पेशलाइज है हाईली स्पेशलाइज है यानी मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसी मशीन बना रहे हैं जो इस किसी इस, एक ख़ास डिज़ीज़ का पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि वहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं किन किन हॉस्पिटल्स में उनको ऑपरेट किया जा रहा है ताकि आप उनको जाएँ और जाके ऑफ़र कर सकें सो so, अट्रैक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि आपके पास एक अच्छी कस्टमर बेस हो हेड टू हेड कंपटीशन ना हो कस्टमर जो आपने चूज किया है उसके अंदर आपके प्रोडक्ट की नीड भी हो और डिमांड भी हो यानी बाइंग पावर भी हो तो फिर आप कहते हैं कि हाँ ये सेगमेंट बहुत अच्छा है मैं इस सेगमेंट को नहीं इस सेगमेंट को अपनी चीज़ बेचूंगा यानी आप आप समझते हैं कि किसी मुल्क में मिडिल क्लास सेगमेंट बहुत बड़ा है तो आप कहते हैं कि मैं प्रोडक्ट मिडिल क्लास के लिए डिज़ाइन करूंगा या सर्विस डिज़ाइन करूँगी और अगर आपको लगता है कि आपकी हाईली कस्टमाइज प्रोडक्ट है और इली क्लास आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है तो फिर आप सिर्फ हाई इनकम ग्रुप के लिए अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे फिर आपके फीचर्स आपकी स्पेसिफिकेशंस, आपकी मार्केटिंग वो सारी उसके मुताबिक होगी सो व्हेन यू आइडेंटिफाई द नीड एंड द वांट और द डिमांड ऑफ द कस्टमर यू मस्ट नो कि वो सेगमेंट है कौन सा और नंबर टू जिस सेगमेंट को भी आप टारगेट करने लगे हैं वो अट्रैक्टिव होना चाहिए किसको चीज बेचने लगे हैं वो आपके साथ एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप में जरूर हो और वो रिलेशनशिप आप रिटेन भी कर सके ताकि ग्रो कर सके हर कस्टमर आपकी मार्केट नहीं होता सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो